What's up guys, good morning to everyone. I am Sudhir. So today lecture, this is start current affairs. Welcome to Study Mission. I hope to all of you well. So आज के लेक्चर में देखेंगे हम लोग आज का करंट अफेयर्स और आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ नया सीखने को और जानने को मिलता है। आइए लेक्चर में चलते हैं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो निंदा करने वाले की आपके पीठ पीछे जो बुराई करते हैं उनके ऊपर ध्यान न देते हुए अपने आप पर, अपने लक्ष्य पर अपने केंद्रित करिए और ध्यान केंद्रित करिए। आप जरूर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि निंदा करने वाले की राय जरूर बदल जाती है। तो आइए चलते हैं लेक्चर में। आज का 2 जनवरी 2021 करंट अफेयर्स, तो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुक्ता का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो असम में। असम में रिवर है क्रूज ब्रह्मपुत्र मुक्ता, इसका उद्घाटन किया गया है किस राज्य में? असम में किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसे विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो पंडित सतीश व्यास को। पंडित सतीश व्यास को अभी विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रक्षा मंत्रालय ने किस रक्षा कंपनी को ग्रीन चैनल का दर्जा दिया है? तो एलटी डिफेंस को। एलटी डिफेंस को रक्षा मंत्रालय ने, यह रक्षा कंपनी है यह एलटी डिफेंस, जो कि ग्रीन चैनल का दर्जा दिया है इसको। क्वेश्चन नंबर फोर है, महाराष्ट्र के किस आदिवासी शहर ने मिली मिनी बहा महाबलेश्वर का टैग अर्जित किया है? जौहर, जौहर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, ग्लोबल साकर अवार्ड से प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार किसने जीता है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यह ग्लोबल साकर अवार्ड से प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, प्रतिनिष्ठ इंजीनियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वीके यादव को अभी प्रतिनिष्ठ इंजीनियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, ये वीके यादव को। क्वेश्चन नंबर सेवन है, किस बैंक ने खुदरा ग्राहकों को लोन देने के लिए डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा यह बैंक है जो कि खुदरा ग्राहकों को लोन देने करने के लिए डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म शुरू करेगा। क्वेश्चन नंबर एट है, केंद्र सरकार ने किसे अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित करेगा? तो नागालैंड को यह केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी 6 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित करने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, यानी कि क्षेत्र में शांति नहीं है, यानी कि कौन सा? तो नागालैंड। तो क्वेश्चन नंबर नाइन है, किस देश ने 5 आईज के 5 देशों वाले संगठन गठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए गए हैं? जापान, जापान देश ने यह किया है। क्वेश्चन नंबर टेन है, भारत के सबसे ऊँचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लेह में, लेह और लद्दाख है जो कि भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है अभी हाल ही में। तो आई होप कि आप लोग समझ होंगे लेक्चर आज का, और आज के टॉप 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स आपको देखने को मिला है और आप इंजॉय किए होंगे। तो बी हैप्पी एंड बी शेयर टू ईच अदर माई वीडियोज। सो इफ़ यू इंटरेस्टिंग इन लेक्चर्स, सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।